अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आप सबका एक नए ब्लॉग। तो आप सब सोच रहे होंगे एकदम से मैं घर पे कैसे खड़ा हूँ। असल में हुआ कुछ ऐसे था कि रात को 1 बजे हमारा वहाँ से निकलने का प्लान बना था। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आप सबको बताया ना कि हमारा प्लान सेट नहीं होते, यहाँ पर हम कुछ ही देर स्टे करेंगे सुबह फजर की नमाज तक, या हमारा कोई प्लान इतना कोई सेट नहीं होता, आपको पता ही है। तो बस फिर वो 1 बजे हम निकले, उस टाइम हालत ऐसी हो रही थी कि दिल कर रहा था कैमरा फेंक दूँ। बहरहाल फिर भी मैंने शॉर्ट्स वगैरह निकाल लिए थे। फिर हम सुबह 6 बजे जो है लाहौर पहुँचे और फिर सो गए। अभी 2 बज गए दोपहर के, मुझे पता है फिर लेट ही उठना था। मैं पूरे रास्ते सोया पीछे लेट के। खैर इसे लोग को स्टार्ट करते हैं, सो लेट स्टार्ट। सो गाइस अभी नाश्ता किया है, नाश्ता करके फारिग हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आज का दिन हम घर पे ही हैं। तो देखते हैं क्या निकालते हैं कंटेंट का आप सबके साथ में। सो गाइस अभी जो है मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका है, अभी जल्दी से नमाज पढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। 1 hour later। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे 10 से 11 व्लॉग्स हो चुके हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स में और भी बना सकूं। और कंटेंट भी थोड़ा सजेस्ट करेंगे किस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस तरह का बनाऊँ। तो गाइज़ मेरा जो फ़ोन है ना उसका प्रोटेक्टर, जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, उसका प्रोटेक्टर का लिए गिरा है फ़ोन, वो टूट गया। अभी चलते हैं ज़रा बाहर और इसका काम करवाते हैं और मौसम भी यार। अभी हम ये अपनी शॉप पर तो आ चुके हैं एचएस मोबाइल, यहाँ से अपने फ़ोन का मैं काम करवाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। प्रोटेक्टर लग जाएगा यार, फ्लेयर लगाना यार। फ़ोन का जो काम है वो तो हो चुका है, अभी यहाँ से कुछ पीते हैं सोडा वगैरह। क्यों मैं चाहता भाई, चलते हैं यहाँ देखते हैं। सोडा तो मिला नहीं, टॉफ़ी हमने ले लिया होस्ट, वो खाइए। अब जा रहे हैं घर। मौसम भी जो सूरत हाल है ना वो कुछ ऐसी है कि बहुत गर्म है, बहुत गर्म होता है। या क्या पता एबटाबाद से हैं तो यहाँ मौसम ज़्यादा गर्म लग रहा है। पर हाल अभी घर जा रहे हैं, घर जा के देखते हैं आगे क्या करना। सो गाइस फाइनली प्रोटेक्टर लगवा के घर आ चुके थे और अभी हमारा प्लान बना है बाहर चलते हैं ज़रा, पापा के साथ जा रहे हैं तो देखते हैं बाहर क्या करते हैं। तो यार ये खड़ी है अपनी प्यारी, बहुत बहुत प्यारी गाड़ी। तो लेट्स गो मैन। ओह गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, ठंडी है गाड़ी तो। एसी की इसमें जो ठंडक है ना अभी तक है रात से, पता नहीं किस वजह से। तो यार मैंने जो अपनी गाड़ी चलाना सीखी थी ना शुरू से ही, तो तकरीबन 6-7 महीने हो गए गाड़ी चलाते हुए। तो सबसे पहली ड्राइव मेरी आल्टो पे ही थी, तो उस वक्त ये चली हुई थी तकरीबन 12,000 चली हुई थी, इस वक्त ये 36,000 पे आ चुकी है। उसके बाद मैंने और भी 2-3 गाड़ियाँ चलाई हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आल्टो पे है। रात के 11 बज रहे हैं और आप ट्रैफिक देख सकते हैं लाहौर की सड़कों पे, क्या बात है। तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ लाहौर चटखारा पे पापा के साथ। पापा से कह रहे हैं तूने मुझे दिखा दिखा के बड़े व्यूज़ हासिल कर लिए है ना पापा जी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी इसकी जो चाट है वो बड़े मज़े की है, वो खाते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये जी अपनी चाट आ गई है यहाँ से, जल्दी से इनसे ले लेते पापा जी। ये पकड़ा एक मेरी और एक पापा की। थैंक यू। किसका? चाट लाने वाले के बाद आपका पकड़ाने का। चाट शाट खाने के बाद अभी हम आए हैं चाय पीने। चाय पीने वाली जगह जो है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वो मेरे दूसरे ब्लॉग में, वो आप जाके देख सकते हैं। ये देखें अपनी चाय आ चुकी है, जल्दी से पीते हैं और फिर घर जाने का प्लान है। अभी हम लिबर्टी आए हैं, पापा का जूस पीने का दिल कर रहा था, चाय तो सिर्फ मैंने पी थी। सिद्दीक जूस कॉर्नर पर भी हम आए हैं लिबर्टी, तो अभी पापा के लिए जूस लेते हैं। जूस भी ले लिया पापा का, तो पापा को देते हैं जाके।
यार अभी हम घर जा रहे हैं, रास्ते में रुके हैं, पापा ने अपनी कोई दवाई वगैरह लेनी थी। ये सामने मेडिकल स्टोर है, तो अभी पापा बस अपना ले रहे हैं जो पापा ने सामान लेना था, उसके बाद फिर चलते हैं सीधा घर। घर जाके देखते हैं क्या करना है। पापा आ गए हैं एक घंटे के बाद। पापा जी क्या हुआ था, इतनी देर लगा दी आपने? बस वो मेडिकल स्टोर वाला बड़ा स्लो था, तीन चीजें लेनी थी, घंटा लगा दिया। भाई फाइनली घर हम आ चुके हैं। अब जो गाड़ी है वो पापा अंदर करेंगे, क्योंकि मेरे से नहीं होती गाड़ी अंदर। तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, पहले जो है हमें अपनी बाइक करनी पड़ेगी, बाइक करते हैं, उसके बाद फिर पापा गाड़ी अंदर करेंगे। तो ये गई जी गाड़ी अपनी अंदर। प्यो ही अंदर। तो भाई घर आ चुके हैं, अभी रात के 1:15 हो चुके हैं। अभी आराम करते हैं, सोते हैं। व्लॉग का अभी पूरा नहीं हुआ मेरा, तकरीबन थोड़ा सा व्लॉग अभी रहता है, तो इस व्लॉग को सुबह ही कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर सुबह। 3,000 years later। यार इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, पापा को छोटा सा काम था वो करने आया हूँ, और आप भाई रश देख सकते हैं इंतहा का। ये देखें, सुभान अल्लाह कहते सारे, सुभान अल्लाह। कमेंट सेक्शन प्लीज। यार काम शाम तो अपना हो गया है, अब अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, ज़रा नाश्ता कर लेते हैं, कि वो भी सब इंतहा। और आँख भी नहीं खुल रही मेरी, बगैर नाश्ते के आँख नहीं खुलती, पता नहीं ये क्या हो जाए। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है उस हिसाब से। तो यार आखिर में घूम घूम आके हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ चलते हैं इसका ड्राइव थ्रू स्टफ से। मेरे ख्याल से ये जल्दी से कुछ खाते पीते हैं यार, क्योंकि भूख जो है ना वो उरूज पे है। इस वक्त खाना बहुत जरूरी। एक गाड़ी मंडी होगी, बड़े डिस्काउंट हो गया, ऑर्डर कम्प्लीट है आपका? जी कम्प्लीट है। मैकडोनल्ड्स ऐप यूज़ करते हैं आप? मैकडोनल्ड्स ऐप कर ले तो नेक्स्ट डे आगे पॉइंट स्टार्ट करवा लें, 780 आप पॉइंट्स भी मिले हैं आज हमें मैकडोनल्ड्स की तरफ से। क्या आपको मिलते हैं मैकडोनल्ड्स के पॉइंट्स? मुझे तो मिलते हैं। मैं नाश्ता ले रहा था ना ड्राइव थ्रू की लेन में, मेरे आगे गाड़ी खड़ी थी आल्टो, बिल्कुल साथ थी अब मैं, तब आगे टच थी मेरी गाड़ी, गियर में थी मुझे पता नहीं चला। बड़ा यार बुरा सीन हुआ, वो एकदम से मैंने क्लच छोड़ा और गाड़ी उसके अंदर जाके ठक, वो निकला बाहर, कहता है मुझे पता नहीं चला कि गाड़ी गियर में है, मैंने एकदम क्लच छोड़ दिया, पता नहीं चला, बस वो निकला बाहर, मैं भी निकला। मैंने कहा सर सॉरी, बहुत गलती से, बहुत माजरत, गाड़ी मेरी मुझे पता नहीं था कि गियर में है, गलती से लग गई है। कहते कोई बात नहीं आप। मैंने कहा यार क्या बात है, मैंने कहा अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। खैर उसकी गाड़ी को हुआ कुछ नहीं था ना इस तरह से, क्या पता मेरे से पैसे निकलवाता, उससे मुझे कुछ कहा नहीं ना, कुछ उसने बदतमीजी की ना कुछ। कहते कोई बात नहीं सर, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं, खाली गंदे लोग ही नहीं रह गए। खैर अपना नाश्ता करते हैं, फटाफट नाश्ता हो गया, चलते हैं अब सीधा घर। तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं, अपने इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।